याद है जब हम बचपन में जादू देखने जाया करते थे और जादूगर जादू से कबूतर गायब कर देता था। फटी हुई आंखों और आश्चर्यचकित कर देने वाले भावों से फिर हम अपने पापा से पूछते थे कि पापा ये सब कैसे हुआ। वो कबूतर हमारे आंखों के सामने से गायब हो गया। तब जरा याद करो हमारे पापा क्या बोला करते थे। वो कहते थे कि बेटा ये सब आंखों का धोखा है, ये सब तो हाथ की सफाई है। नजरों का धोखा और हाथ की सफाई होता था वो जादू। पापा की वो बात तो शायद आपको समझ में आई होगी कि असल में चमत्कार नहीं था वो तो नजरों का धोखा था और हाथ की सफाई थी। आई थी ना समझ में? अब आगे सुनिए। सुबह जब मैं और आप सड़क पर निकलते हैं तो गरीबी, बेकारी, भुखमरी, बेरोजगारी सब कुछ देखते हैं और ये समझ में आता है कि देश की ये सबसे बड़ी समस्या है। फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि सीज फायर वायलेशन किया पाकिस्तान ने, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, फिर गौरक्षकों ने पीट पीट कर भी गौ तस्करों को मार डाला, फिर आतंकवादियों ने पत्थरबाजी की, 150 दर्जन लोग देशभक्त बन गए, 3000 लोग देशद्रोही हो गए, टुकड़े टुकड़े गैंग भी बन गई। और फिर क्या हुआ, क्या हुआ? गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, बेकारी सब गायब हो गई, वैसे ही जैसे वो कबूतर गायब हो गया था। जादूगर नेताओं और बड़े बड़े सो कॉल्ड पत्रकारों ने गरीबी, भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी सबको एक झटके में गायब कर दिया। वाह, क्या जादू दिखाया। लेकिन इस बार हमें ये समझ में आया कि ये भी तो आंखों का धोखा है, ये भी तो हाथ की सफाई है। ये धंधा है वोट बैंक का, ये व्यापार है देश के लोगों की भावनाओं का, ये जनतंत्र में जनता को बेवकूफ बनाने का स्कैम है। पर क्या इस स्कैम में जनता फंसेगी? क्या जनता बेवकूफ बनेगी? इसका जवाब अब आप लोगों को देना होगा। तो इस बार अपने वोट के जरिए आप ये जवाब दे सकते हैं।